बेईमान दलाल संस्कृति से पले हुए राष्ट्रीय नेता और इनका सबसे बड़ा दलाल प्रेमचंद अग्रवाल और अरविंद पांडे और जिस तरीके से वर्तमान मंत्री जिन कोऑपरेटिव के हैं इन पर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार कर, अगर यदि सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो यही वो नौजवान हैं जो सैलाब बनकर इस सरकार पर टूट पड़ेंगे और कोई अप्रिय घटना घटेगी तो इतिहास गवाह होगा कि इसकी जिम्मेदार स्वयं ये भारतीय जनता पार्टी है। नेता ये बने, बेईमानी ये करें और नौकरियां इनके बच्चे पाए, ये उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। परेड ग्राउंड में युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान में है। हर कोई पारदर्शिता की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है और युवाओं ने आज यहाँ पर जो हल्ला बोला है ये अपने में एक ऐतिहासिक पल है। और हमारी परेड ग्राउंड में मुलाकात हुई है शांति प्रसाद भट्ट जी से, जो बहुत ही वोकल रहते हैं उत्तराखंड के मुद्दों पे। शांति जी, ये जो पूरा माहौल आपको दिख रहा है, युवाओं की ये जो भीड़ दिख रही है, ये काफ़ी है ये संकेत देने के लिए, हुक्मरानों को समझाने के लिए कि आपकी हर काम पर जनता की नज़र है? देखिए, निश्चित रूप से इन 22 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 जनपद और 95 ब्लॉक के वो नौजवान जिन्होंने अपनी सरकारों से ये उम्मीद लगाई थी कि ये पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराएंगे और हमारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे, मगर बेईमान दलाल संस्कृति से पले हुए राष्ट्रीय नेता और इनका सबसे बड़ा दलाल प्रेमचंद अग्रवाल और अरविंद पांडे और जिस तरीके से वर्तमान मंत्री जिन कोऑपरेटिव के हैं इन पर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार कर, अगर यदि सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो यही वो नौजवान हैं जो सैलाब बनकर इस सरकार पर टूट पड़ेंगे और कोई अप्रिय घटना घटेगी तो इतिहास गवाह होगा कि इसकी जिम्मेदार स्वयं ये भारतीय जनता पार्टी है। इनके प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार और पराई परिवारवाद के खिलाफ हूं और इन्हीं के नेता उन प्रधानमंत्री की बातों को पलीता लगाते हैं, मगर अभी तक प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इससे पता चलता है कि लाल किले की प्राचीर से देश की जनता के सामने झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री को आखिर यह तय करना पड़ेगा कि अपनों पे कार्रवाई नहीं और गैरों के ऊपर सीबीआई जांच। हमारी ये मांग है कि यदि प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल नहीं भेजा तो वो अपने घर में सुरक्षित नहीं होगा। ये वो नौजवान पीढ़ी है जिन्होंने आंदोलनों में अपने माँ बाप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आवाज दी है, मगर दुर्भाग्य देखिए कि परिवारवाद की आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ये भारतीय जनता पार्टी, नेता ये बने, बेईमानी ये करें और नौकरियां इनके बच्चे पाए, ये उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होगा। अभी अभी तो ये नौजवानों की अंगड़ाई है, 12 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगार लोग रजिस्टर्ड हैं। अभी तो सरकार को सिर्फ ये टेलर दिखाया है, 1% लोग हैं, 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। सोचिए यदि 12 लाख देहरादून की सड़कों पर उतर गए तो ये नेता सुरक्षित होंगे? ये सरकार टूट गिर पड़ेगी। हमारा तो ये कहना है कि यदि युवाओं को इसी तरीके से प्रताड़ित करोगे तो ये सरकार बर्खास्त नहीं होगी, ये नौजवान अपने संसद में खुद अपना फैसला तय कर लेंगे, इन नेताओं को उत्तराखंड के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये हालात ये उत्तराखंड के अंदर ये नौजवान पैदा करेंगे। मैं क्षेत्रीय दल से निकला हुआ हूँ, मैं राज्य आंदोलन से निकला हूँ, मैं अपने नौजवान भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े होने के लिए मैं इनके इस कार्यक्रम को समर्थन दे रहा हूं, मगर दुख इस बात का होता है कि सूबे के मुखिया केवल जुमले छोड़ रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी प्रताड़ित करने वाली बात है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों से जो ये कहते हैं कि ओजस्वी तेजस्वी युवा मुख्यमंत्री है, तो ये कौन लोग हैं जो अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इस बात का जवाब भी युवा मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदेन सदस्य याद रख लें, बच्चे आपके भी बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी प्रेमचंद के बेटे को मिलेगी, उसकी साली को मिलेगी, आपके बच्चों को क्या मिलेगी? जो ये झंडा बरदार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये भी समझ जाएं, वरना गांव में राज्य आंदोलन की तरह इनको भी चूड़ियां पहनाकर गांव से बाहर करने की ताकत ये नौजवान पीढ़ी रखती है। देखते हैं सरकार इनके इस आंदोलन में कितना झुकती है, यदि झुकी तो ठीक, नहीं तो झुकाना भी उत्तराखंड की जनता को आता है। ये वो नौजवान हैं जो देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं, यदि अपनी में आ गए तो अपने राज्य की रक्षा के लिए भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग यहाँ से ऐलान भी कर सकते हैं। देखते हैं सरकार में। बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ ये रैली यहाँ से निकल चुकी है, शांति प्रसाद भट्ट जी उसे उनको समर्थन देने आए थे, उनका ये कहना है कि जाँच भी सीबीआई से होनी चाहिए और युवाओं का हक
जो युवाओं का हक मारा जा रहा है उसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।